सुना है उनकी मिट्टी में पीतल का पानी है। बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह। अब आइए, ये थी जमात ससुर की तालिबा जो आपके सामने जो तालिबाए तकरीब और माजूरत वहाँ होकर बच्चों के सामने कुछ अपने मासूमियत से बयान कर रहे थे अपने ख्याल। अब इसके बाद आइए, एक ऐसी जमात ससुर की तालिबा है जिसकी भी तारीफ हमारे जमात ससुर के तालिबा तमाम ही और लड़के भी बहुत ही अच्छे तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छे है। अब हम एक ऐसी तालिबा को आवाज़ देते हैं जिसको हमने लता हया के नाम से पुकारा है और उन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। लाइबा मुजम्मिल पटेल वो आए और यहाँ पर अपने ख्याल का इजहार कर अलविदा तकलीफ की। वो इस तरह हमारे स्कूल के अंदर आए थे और क्या सीख कर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, वो हमारे सामने पेश करेंगे। जनाब सदर, मोहतरम अतिथि इकराम और मेरे हमत साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल की मैनेजमेंट और सर स्टाफ सर की तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस स्कूल में बहुत अच्छी से तालीम दी है। कि जब मैं इस स्कूल में आई थी तो मैं खाली हाथ आई थी, अब मैं इस स्कूल से जा रही हूँ तो मैं भरपूर तालीम हासिल कर जा रही हूँ। मुझे मेरे टीचर की बहुत याद आएंगी। मैं अपने टीचर के लिए शेर कहना चाहती हूँ। उस्ताद बादशाह नहीं होता, उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर अपने तलबा को बादशाह बना देता है। अब मैं अपने उस्ताद से मुख्तलिफ होकर उन्होंने बहुत अच्छे मेहनत और मशक्कत के साथ तालीम दिए है। हमारी गर्दिश की है जिस तरह उन्होंने अपने मजमून को बड़ी दिल से मुकम्मल किया है और हमारे जहनों में उतारा है, बड़े काबिले तारीफ की बात है। हम सब इनके शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम उस्तादों को बुलंदी से नवाजे। इस शेर पर मैं अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। उस्ताद की अजमत को तराजू में ना